फ्राइडे के दिन पे हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, जहाँ पर मैंने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया था। रिजल्ट्स आ गई है एंड द रिजल्ट्स हैव कम। बस दो दिन में उसका डे केयर स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ एक दिन बचा है। मैं जा रहा हूँ घर। देखो गाड़ी पूरी खाली पड़ी है, पीछे कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। सो ये इन ऑल टू सेंस आंचल को मिल रहा है सरप्राइज। ऑल द वे एयर इंडिया से आए हैं। देखो इंडिया से आया है तुम्हारे लिए सामान। How is it? You wanna be a pilot? इमेजिन करो कि आप अपने बॉस के पास जाते हो और बॉस को बोलते हो कि यार रात को मैंने 2 बजे तक काम किया एंड देन सुबह सुबह 6 बजे मैं ऑफिस आ गया। गारंटीड आपका प्रमोशन अगले साल होना ही होना है। वर्सेस आप दूसरा सिचुएशन इमेजिन करो जहां पर आप बोलते हो बॉस को, आज मैं 10 घंटा सोया, आज मैं 12 घंटा सोया, ऑफिस टाइम पे आया लेकिन मैं 12 घंटा सो के आया। उस सिचुएशन में क्या होगा? वर्ल्ड वाइड हम लोग जो हसल कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, कम सोने को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। वर्कआउट करो, ग्राइंड करो, बिजनेस करो, कोई दूसरा काम करो, सेकंड जॉब करो, पढ़ाई करो, उसके लिए जल्दी उठो, इसको इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। रेस्ट जो है उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो आज जो मैंने पॉडकास्ट सुना है उसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताना पसंद करूंगा कि अगर आप अपनी स्लीप पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं एंड स्लीप का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जिंदगी में। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली। अब इस पॉडकास्ट में उन्होंने बात की है अबाउट स्लीप, स्लीप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा न्यूट्रिशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट नेसेसरी प्रोटीन, प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के ऊपर उन्होंने इतना अच्छा नॉलेज शेयर किया है कि प्रोटीन किस तरह से बनता है, सिर्फ प्रोटीन स्कूप खाने से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम घी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और घी को हमने कितना ज्यादा बुरा समझा है, इस पे इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो अब मैं यूजुअली ये सब चीजें बताता नहीं हूं लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए बिकॉज इट हैज टन्स ऑफ लर्निंग। एंड जैसे मैंने बताया आपको, जब मैं जिम से निकलता हूँ तब मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, सो आई ऑलवेज वॉन्ट टू शेयर इट विद समबडी ताकि आप लोग भी कुछ सीख सको एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर पाओगे एंड अगर आपको इससे कुछ भी फायदा होगा। तो अगर आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहते हो प्लीज गो एंड वॉच दिस पॉडकास्ट। मैं उस पॉडकास्ट का लिंक डेफिनेटली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और मैं यहाँ कहीं लिंक करने की भी कोशिश करूंगा अगर हो पाएगा तो, बट आई एम रिकमेंडिंग, इट्स अ ग्रेट पॉडकास्ट। जस्ट जूते उतार रहा हूँ जिम से आके एंड क्या देखने मिल रही है, लड़का उड़ गया है हमारा। गुड मॉर्निंग सोने, गुड मॉर्निंग। कहाँ से उड़ गए हो अभी तो सुबह सुबह? जल्दी आना है, गोदी में आना है, आ जाओ आ जाओ। ऑलराइट, एंड यहाँ पर हमारी टूटू जो है सो रही है तो मैं इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ, आज ये सो रही है तो टूटू गुड जॉब, यू आर स्लीपिंग नो, वेरी गुड जॉब। उठा उठाओ दीदी को उठाओ। देखो अभी माना मैंने कि सोना बहुत जरूरी है लेकिन स्कूल जाना भी बहुत जरूरी है तो उसके लिए टाइम पे उठाना भी बहुत जरूरी है। उठाओ उठाओ दीदी को उठाओ। कैसे उठा रहे? देखो दीदी को, वेरी गुड, उठाओ दीदी, वेकअप दीदी। दीदी उठते ही नहीं है, दीदी की नींद कितनी पक्की है देखो। एंड फाइनली टूटू उठ गई है। गुड मॉर्निंग टूटू डॉल। इनको बिल्कुल मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। उठना पड़ता है बेटा, स्कूल जाना पड़ता है, क्या करें। देखो भाई को देखो, आपसे पहले उठ जाता है, स्कूल भी नहीं जाना है उसको, बस अभी 2 दिन में जाएगा वो कहाँ पे, देख के आप भी भागोगे घर से बाहर अभी। गुड मॉर्निंग आंचल। मेरे को एक बहुत जबरदस्त चीज तुम्हारे साथ शेयर करनी है और तुमको बोलना है कि यू आर डूइंग सच अ फैबुलस जॉब इन स्लीपिंग अंटिल लेट। तो मैंने जो पॉडकास्ट सुना है इट हैज बीन सच एन आई ओपनर कि आई एम टेलिंग यू, मैं आजकल तुमको कभी नहीं रोकूंगा टोकूंगा कि तुम क्यों जितने बजे सोना है तुम सो सकते हो, आराम से उठो। बढ़िया बढ़िया है ना मेरे साथ? अरे आई नो, मेरे साथ प्रॉब्लम भी यही है मेरे को ना। देखो मैं उठना मेरा 4:30 बजे ही है क्योंकि मेरे को जिम जाना है, ठीक है। मेरा अगर मैं सोने का टाइम थोड़ा सा अगर मैं पहले कर सकूँ ना, दैट्स गोना बी अ गेम चेंजर फॉर मी। मतलब मैं अगर 10:30 बजे सोने जाता हूँ उसके बदले अगर मैं 9 बजे जा सकूँ तो देन मेरे को नींद पूरी हो जाएगी मेरी। लेकिन काम इतने होते हैं एंड देन बच्चों का टाइम इतना स्पेंड करना होता है एंड देन ऑल ऑफ द थिंग्स करते कराते ना 10:30 बजे जाते हैं सोने सोते जाते हुए, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। वो मेरे को अगर किसी तरह से मैं चेंज कर पाऊँ तो देन आई एम क्वाइट श्योर कि मेरी नींद पूरी होना शुरू होगी एंड इट्स गोना बी अ गुड डे। 9:14 और हम लोग पहुँच गए हैं स्कूल टाइम पे, वहाँ बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। सो आई एम टीचर हो यू कैन, तो चलो अपन टाइम पे पहुँच गए हैं। इट्स गोना बी अ गुड डे एंड अ गुड वीक, गुड स्टार्ट ऑफ वीक, एब्सोल्युटली। फिंगर फिंगर फिंगर। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं होता है दिखाना, ठीक है बच्चों को, लेकिन ये लड़का इतना सीख रहा है पता है। लाइक उसमें बोल रहे हैं पॉइंट योर फिंगर, तो वो फिंगर पॉइंट करता है,
वो बोलते हैं शो योर थंब, तो वो थंब बोलता है, थंब दिखा नहीं रहा है बट थंब बोलता है. तो हम लोग तो ये पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि काफी अच्छे से सीख रहा है ये बच्चा. तो आई एम नॉट श्योर क्यों बहुत ज्यादा इसको हम लोग ये कर देते हैं कि यू नो ये नहीं देखना चाहिए, बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए. बट आई थिंक आई कैन सी अ बिग इम्प्रूवमेंट इन तीर्थ ऑल्सो कि लाइक ही इज लर्निंग रियली फास्ट, है ना. और अभी खुद खा रहा है नाश्ता, आज का नाश्ता उसका है ओट्स, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, बस थोड़ा सा बचा है, ये खत्म कर देगा अभी. Cheers! हम लोग जैसे नाश्ता करने बैठते, देखो यहाँ पे मेरा नाश्ता चल रहा है, वहाँ पे आंचल की चाय चल रही है, तो ये लड़का आ जाता है, बोलता है Cheers! Cheers करो, Cheers करो, मेरे साथ भी Cheers! खाली ग्लास लेके बैठा है, बोलते है Cheers! अच्छा है पानी है, हाँ पानी है, पानी है. तो क्या प्लान है आज के पूरे दिन का तुम्हारा? आज मंडे ऑफिस है, तो अब मंडे मंडे बोलता है, मंडे लुक्स लाइक थोड़ा हल्का है दिन, बट जब तक नया प्रोजेक्ट मुझे पता है आ रहा है, तो जब तक उसकी डिटेल्स आए तो थोड़ा सा देखा दिन थोड़ा ठंडा रहेगा. मुझे लग रहा है अगर वेंसडे से काम शुरू हुआ है होएगा फुल फ्लेश तो अच्छा होगा, क्योंकि वेंसडे से तीर्थ भी डेकर जाएगा एंड हम लोग अपना काम कर पाएंगे. या आई टोटली अग्री, ये लड़का जाएगा वेंसडे से डेकर, तो मेरा सेटअप जो है मैं भी मूव कर दूंगा ऊपर ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे डाइनिंग टेबल, ये मेरा रेगुलर सेटअप नहीं है, ये तो मैं यहाँ बैठता हूँ क्योंकि ये तीर्थ नीचे खेल रहा रहता है, तो उस वजह से मैं भी नीचे बैठा रहता हूँ कि उसका ध्यान देना होता है. बट यार लेकिन वो फर्स्ट सेपरेशन एंजाइटी हो रही है मुझे ऑलरेडी, क्योंकि लाइक जब मैं टूटू गई थी फर्स्ट टाइम तो भी हमें बहुत लेके लगा था कि इज शी ओके, एंड वहाँ इंडिया में तो वो लोग इतने अच्छे थे, दे यूज टू टेक पिक्चर्स दैट टू हैप्पी है शी इज प्लेइंग एंड शी यूज्ड टू सेंड इट टू अस, तो हम लोग का कॉन्स्टेंट वरी नहीं था ऐसा. बट यहाँ पे आई डोंट एक्सपेक्ट सच अ बिहेवियर, लेकिन मुझे ये पता है कि एक इनिशियली 3-4 दिन तो कॉन्स्टेंट वरी या एंग्जाइटी रहेगा मेरे अंदर, तो या फिर ओमकार के अंदर भी. वो तो बात सही, मैं तो सोच रहा हूँ ये नाश्ता मैं अकेला कैसे पीऊंगा क्योंकि ये लड़का रहेगा नहीं, ये सुबह सुबह चला जाएगा, तो ये मेरे को अकेले पीना पड़ेगा, मेरे को तो अभी से टेंशन आ रहा है मैं पीऊंगा कैसे. जब तक ये लड़का जो बोलते हैं ना वो भगवान को भोग लगता है, वैसे जब तक इसको भोग लगता नहीं तब तक मेरे पेट में ये जाता नहीं है, मेरे गले से उतरेगा नहीं, पेट तो दूर की बात है. विल मिस यू टिक्की, विल मिस यू. और अभी ना तीर्थ आया मेरे पास, मैं यहाँ पे काम कर रहा था, मेरी उंगली पकड़ के मेरे को यहाँ पे लेके आया और बोलता है कि जैसे कल हम लोग खेल रहे थे ना साइकिल पे, वो अपनी साइकिल चला रहा था और मैं ये स्कूटर चला रहा था इलेक्ट्रिक, तो मेरे को बोलता है वापस से वो खेलने के लिए, राउंड 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 करने के लिए, उसको बड़ा मजा आया था कल. ये देखो क्या करना है, क्या खेलना है. पूरा चक्कर घुमाने के लिए, तो मैं इसको बस यूं पकड़ के जैसे कल 40-50 चक्कर घुमाए थे वैसे आज वापस घुमाने वाला हूँ. बड़ा मजा आता है इसको ऐसे खड़े रहने. डू लाइक इट, डू लाइक इट. कैसे पकड़ के खड़ा हो गया देखो लड़का. और इस पे खेलते खेलते उसकी नजर अचानक पड़ी स्ट्रॉबेरी पे, तो चला गया स्ट्रॉबेरी खाने के लिए. नाइस. स्ट्रॉबेरी खाते खाते इसके ऊपर चल रहे हैं अभी, अभी चले. उसको वो कौन, वो गिर जाएगा तो आप गिर जाओगे, तो गिर जाओगे. हाँ तो उसको रख दो, गो कीप इट, रख दो उसको, जाओ जाके रख के आ जाओ, जाओ टेबल पर रख के आ जाओ, जाओ जाओ वो चुट्टी की स्ट्रॉबेरी को टेबल पर रख के आओ, जाओ. ये गया देखा, अच्छा काउच पे नहीं टेबल पे, टेबल पे गो. ये गया टेबल पे रखने, कितना स्मार्ट बच्चा है, वाह गुड जॉब. तो अगर आप लोग को याद हो फ्राइडे के दिन पे हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, और जहाँ पर मैंने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं क्यों करवा रहा हूँ ब्लड टेस्ट, बिकॉज मैं इतने सारे मल्टीविटामिन्स खाता हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. एंड आई एम हैप्पी टू से कि रिजल्ट्स आ गई है एंड द रिजल्ट्स हैव कम ऑल पॉजिटिव, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी पंगे नहीं है. तो जो मैं अपना डाइट फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं मल्टीविटामिन खा रहा हूँ, आई थिंक एवरीथिंग इज बीइंग वेरी फ्रूटफुल. तो जो भी मैं मेहनत करता हूँ, जो भी मैं हेल्दी खाने की कोशिश करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये अभी मैं खा रहा हूँ फ्रेंच टोस्ट. अंडे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन ये सारी चीज़ें आई एम डूइंग इट फॉर द लॉन्ग रन, कि नहीं यार सारी हेल्थ बेनिफिट्स इसके मिले, प्रोटीन ऑन पॉइंट हो, मल्टीविटामिन अपने बॉडी में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ऑन पॉइंट हो. आई एम हैप्पी टू नो कि चलो सब कुछ नॉर्मल है. और जैसे मैंने बोला कि मेरे को अंडे नहीं पसंद है,
ये लड़के ने शायद सुन लिया और समझ लिया और उसने बोला कि यार उसने अपने बाप की तकलीफ समझ ली और इसलिए अपने हाथों से प्यार से खिला रहा है मेरे को ये लड़का। देखो टिकी हाँ गो फीड फीड पापा से हाँ गो फीड 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 पापा अनियन खाओ पहले अनियन पहले अनियन खाऊं मैं आज। वेरी नाइस और टेस्टी टेस्टी बताओ अब अंडे कैसे पसंद नहीं आएंगे। अब तो अंडे बहुत टेस्टी लग रहे हैं मेरे को बिना केचप के खा रहा हूँ मैं वरना मुझे नहीं पसंद है अंडे बिना केचप के। मिर्ची हरी मिर्ची है ना इसमें। अरे आप खाओगे बेटा इसमें देखो ये देखो मिर्ची है इसके अंदर देखो आपके लिए है ही नहीं वो पापा के लिए बना हुआ है। उसका वो है कि भाई जो पापा के लिए बना है वो मैंने खाना ही खाना है। खा खा बेटा आपने को बॉडी बनानी है ठीक है। जब तू बड़ा हो जाएगा ना मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है जब ये बड़ा हो जाएगा ना हम दोनों जाएंगे जिम और करेंगे मेहनत क्या बोलता है। नहीं हो गया वो बड़ा भी इतना जल्दी। अरे यार वीडियो पे तूने इज्जत खराब कर दी मेरी। ओए 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 देखो खुद नहीं खा रहा है कैसे बहाने ढूंढता है ना खाने के टेडी को खिला रहा है। ओए ईट बोलता है ईट तो आंखों से खिलाता है क्या हा? कोई आंखों से खाता है क्या लड़के। देखो जब आंखों से गोली मार के खाने से नहीं खाता कान से। ये तो हद हो गई है भैया ये तो हद ही हो गई है बिल्कुल सर पे रख दिया फिर से। तो अभी हम लोग आए हुए हैं फ्रेशको क्योंकि हम लोगों को खरीदा था कुछ सामान तीर्थ के डे केयर का स्टार्ट होने के लिए। अभी बस दो दिन में उसका डे केयर स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ एक दिन बचा है तो हम आए हैं अभी सामान खरीदने के लिए। क्या क्या लिस्ट में भेजा है उन्होंने। उन्होंने बोला है इसका एक सिपी कप चाहिए एक डायपर रैश क्रीम सनस्क्रीन बॉडी लोशन फिर इसका दूध का जो बॉटल वो तो घर से दूंगी बाकी डायपर्स और एक ब्लैंकेट ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें घर से हैं बट दो तीन चीज़ें लेनी भी है तो हमने कहा वो भी लेना था और घर का कुछ सामान लेना था तो हमने कहा साथ ही ले लेते हैं खत्म कर। चलो टाइम आ रहा है ये लड़के के डे केयर जाने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बस अब एक दिन और बचा हुआ है वेंसडे से ये लड़का चला जाएगा तो आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी इन द हाउस। हां अभी फर्स्ट 3 डेज लाइक वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे तो थोड़ा हाफ डे जाएगा क्योंकि थोड़ा एडजस्ट होए समझे एक दिन में पूरा डाल देंगे 8 घंटे के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट है चलो लेट्स सी देखो अभी क्या-क्या ले रहे हैं हम लोग। अभी तक हमने क्या क्या खरीदा पता है। अभी तक हमने खरीदा है ये डेट्स यहाँ पर चीकू है एंड ये चिकन नगेट्स लिए हुए हैं। तो ये देखो ये वाला पीनट ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं $7.49 का है और ये हमने 3 बॉटल ले लिए हैं कि चलता रहेगा। ऐसा हो तो सकता नहीं है कि हम लोग कुछ शॉपिंग करने हैं और अगर टूटू साथ में है तो वो कुछ खरीदे ना। तो टूटू ने क्या खरीदा है देखो क्या है ये बताओ क्या होता है डंकरूज क्या होता है मुझे जो खरीदना होगा ना आई विल मेक श्योर यू बी आई पापा मम्मा वो तो दिख ही रहे हैं कर लूंगी मैं कुछ खरीद लूंगी वो दिख ही रहे हैं ये हमको चैलेंज है बट शी इज राइट वो कन्विंस कर लेती है लाइक हाउ आर द गिवन नंबर्स कैन आई सपोज टू बाय मी टू थिंग्स आई गॉट शी गॉट मी 4 थिंग्स। वाओ चलो बहुत उस्ताद हो आप। तो ये देखो आ गए हैं मैंगो। आंचल को पता नहीं है कि मैंने लिया है उसके लिए मैंगो उसको बहुत ज्यादा पसंद है तो उसको सरप्राइज देते हैं। मैं वैसे अभी गया हुआ था स्वदेश वहां पर मेरे को खरीदना था रोज वाटर क्योंकि आंचल ने बोला रोज वाटर चाहिए उसको तो देखा मैंने मैंगो भी थे वहां पे। ओ भाई क्या बढ़िया लग रहे थे वो भी अपने अल्फांसो मैंगो मुंबई वाले तो मैंने खरीद लिया। अब देखो मैं जा रहा हूँ घर देखो गाड़ी पूरी खाली पड़ी है पीछे कोई नहीं है यहाँ पर भी कोई नहीं है। सो ये इन ऑल ट्रू सेंस आंचल को मिल रहा है सरप्राइज। अगर आप जानते हो ना आंचल को बहुत ज्यादा पसंद है मैंगोज अल्फांसो मैंगोज तो ऑफकोर्स उसको बहुत ही ज्यादा पसंद है तो उसको देंगे ये सरप्राइज एंड देखते हैं उसको कैसा लगता है। आंचल मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 जबरदस्त सरप्राइज लाया हूँ। इतना अच्छा सरप्राइज है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इतना जबरदस्त सरप्राइज है तुम्हारे लिए। यस यस हाँ आपके लिए भी मस्त है ये। तो सबसे पहले तो इसको रखते हैं नीचे एंड क्लोज योर आइज
And there you go. Open your eyes. It's a surprise. Oh. Surprise. Wow. Yes, yes, Apus. Alfonso. देखो ऑल द वे एयर इंडिया से आए हैं. देखो एयर इंडिया से खास आए हैं. इंडिया से आया है तुम्हारे लिए सामान. How's it? That's great. देखो ठीक है ना, मेरे को ऐसा ठीक लगे. देखो ये सब येल्लो तो है. देख लो भाई कनाडा में कैसे मिलते हैं आम. देखो इंडिया वाले कितने के मिले. ये 12 आम पड़े हैं हमको $45 के. अहमदाबाद के आई गेस सो. अहमदाबाद से सी ये आए हैं अहमदाबाद से YYZ. तो $45 मतलब कितना पड़ा? 3000 रुपए पर डजन है ये. बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है रे, इतना महंगा नहीं पड़ता है. अब पता नहीं देखो अभी कितनी महंगाई हो गई है. आई डोंट नो, अभी महंगाई बढ़ गई है जितना मैंने सुना है सबसे. हैप्पी? हाँ, वेरी हैप्पी, मस्त है. फर्स्ट मैंगो ऑफ द सीजन. फर्स्ट मैंगो ऑफ द ईयर. ऑफ द ईयर, यस दैट्स राइट. चलो बढ़िया है, अभी एंजॉय करो. मस्त आम खाओ. आम खाओ, गुटलियों के दाम. क्या खाओ? आम के आम, गुटलियों के दाम. बट यार इतने महंगे ना, फिर सोचना पड़ता है यार खाऊं नहीं खाऊं. I know, right? $45 तो महंगा है. कि मैंगो मिल्कशेक बनाऊं, कि आम रस बनाऊं. यस यस यस, समझ ही नहीं आता क्या करूं. सोचे तो चलो नहीं, बढ़िया है लेकिन. देखो अच्छे लग रहे हैं मेरे को. ये एक दो ग्रीन है तो अदरवाइज हाँ टाइमली पक जाएंगे, बट लेकिन अच्छे लग रहे हैं बहुत. हाँ चलो बहुत बढ़िया. तो बस आई थिंक आज की वीडियो को यही करते हैं एंड. ये वाला कौन सा वाला? रियल लग रहा है, थोड़ा फेक फेक है शायद. हाँ ये वाला देखो, इसमें स्मेल नहीं. ये वाला बहुत अच्छा है. कमिंग. ये वाला बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है. चलो तो आई थिंक आज की वीडियो को यही करते हैं एंड. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना. प्लीज इसको किसी भी एक अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए. कमेंट करिए अगर आपको कुछ पसंद आया है तो. अगर आप एक नए व्यूअर हैं और पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ. नंबर नहीं. टिकी 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 को दो, टिकी को दो. इट्स सो गुड. यू एट? या आई मीन नो, बट आई एम स्मेलिंग एंड देन आई लाइक द टेस्ट. Oh, टिकी खा रहा है. टिकी मम्मा वाज लेटिंग मी ईट इट. टिकी नाइस. टिकी को भी पसंद आया. चलो बहुत बढ़िया. सो सॉफ्ट एंड नाइस. अगर एक ये वाला खा ले ना, क्योंकि तुमको मैं दोनों बोल लेती हैं. ये वाला बहुत मीठा है. डोंट रिकॉर्ड मी.